बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ नॉलेज आई एन क्यू। आज की जो अपडेट है वो असाज़ा की रियलाइजेशन के हवाले से है और स्कूल्स जो उनकी निजकारी के हवाले से है। तो इस खबर की जो डिटेल है वो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और उसको आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अब इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि इस तरह की जो भी वीडियो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें और आप इससे इस्तिफादा करते रहें। तो खबर यह है कि असाज़ा की रियलाइजेशन जो है ख़तरे में पड़ गई। वज़ीर आला पंजाब ने रेगुलाइजेशन पर तहफ़ुज़ात का इजहार कर दिया। ये ज़राए की खबर है, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये ज़राए की खबर है। मुलाज़मीन नौकरी पक्की होने के बाद काम करने से कतराते हैं और अब रेगुलर मुलाज़मीन नहीं रखे जाएंगे। कामयाब ममालिक में रेगुलर मुलाज़मीन का कोई कंसेप्ट नहीं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुकूमत की अवलीन तरजीह है। आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना चाहते हैं वज़ीर आला। तो इसमें ऐसे लग रहा है कि जो पेफ के तहत लिस्ट बनाई जा रही है स्कूल्स की, तो वो स्कूल जो है पेफ के हवाले किए जाएंगे। तो इसी अपडेट के साथ जो है मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।